नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर पटेल, पास तो बच चुके हैं, आप उठी नहीं रहे। क्या करूं? बड़े साहब का हुक्म है कि ये स्टेटमेंट आज ही पूरी करनी होगी। मुझे उठने में शायद रात हो जाए। अच्छा ये तो बताइए, छुट्टी के बाद काम करने से यहाँ ओवरटाइम के पैसे तो मिलते हैं ना? ओवरटाइम के पैसे यहाँ कभी फिर इस बात की चर्चा ना कर बैठना। क्यों मैडम? इसी ओवरटाइम को लेकर इस दफ्तर में बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। कई आदमियों को नौकरी से अलग कर दिया गया, उन्हीं की जगह पर नए आदमियों को रखने की जरूरत थी, इसीलिए तो ये नौकरी आपको आसानी से मिल गई है। ओह, ये बात तो पहले कभी सुनी नहीं। सुनते भी कैसे, उस घटना के बाद इस दफ्तर में काम करने वाले आदमियों की हिम्मत चूं तक करने की नहीं है। मजबूरी से यहाँ बैठा काम तो कर रहा हूँ, लेकिन सच मानिए रतन बाबू, मेरा मन अपने बीमार बच्चे के आसपास ही भटक रहा। सोचा था आज किसी अच्छे डॉक्टर से उसका मुआयना कराऊंगा, लेकिन इस काम की जल्दी खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं। मिस्टर पटेल, आप मुझे अपना काम समझा दीजिए, मैं कर रखूंगा। आप डॉक्टर को लेकर घर जाइए। नहीं नहीं साहब, बहुत सख्त आदमी है, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसमें उनकी नाराजगी की क्या वजह हो सकती, उन्हें तो अपना काम पूरा होने से मतलब है। लेकिन ये काम जरा पेचीदा है, आप कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकूंगा, आप मुझे ठीक तरह से समझा दीजिए। यही तो होगा ना कि जरा ज्यादा देर लग जाएगी, समझाइए। अच्छा तो ये देखिए, ये वाउचर है, इनको आप नोट करते हैं। इतनी बड़ी गलती, ये काम पूरा करने का जिम्मा मैंने आपको दिया था, आपने दूसरे के सपोर्ट क्यों किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? आप तो जानते हैं ना कि ये काम कितना जरूरी है। जी, मैं तो नहीं जा रहा था, लेकिन मिस्टर रतन, मिस्टर रतन आपका बॉस है कि मैं? मिस्टर पटेल, आप चूंकि यहाँ काफी अच्छे से मुलाजिम हैं, मैं ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा, लेकिन आज से मैं आपको 7 दिन के लिए सस्पेंड करता हूँ। सर जाइए। क्या हुआ? मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया? हाँ। अब तो 7 दिन की तनख्वाह। लेकिन कसूर तो मेरा, फिर आपको सजा क्यों? नहीं नहीं, मैं साफ सजा कर लूंगा। ना ना रतन बाबू, कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टी वो और बिगड़ जाएगी। बिगड़ेंगे क्यों, आप बैठे, मैं भी आता हूँ। मैं कमिंग सर। यस कमिंग। सुना है आपने मिस्टर पटेल को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सर कसूर तो मेरा है, सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं जो ऑर्डर दे देता हूँ उसे रद्द नहीं किया करता, जाओ अपना काम देखो। लेकिन सर ये तो बड़ी ज्यादती है, गलती कोई करे सजा कोई और भुगते। ज्यादती? कुछ ही दिन तो हुए तो नहीं आए, फिर उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों? फेलो वर्कर के लिए अगर फेलो वर्कर कोई हमदर्दी न हो तो फिर किसे होगी? फेलो वर्कर। अच्छा तुम जाओ अपना काम करो, मैं इस बात पर गौर करूंगा। जी बहुत अच्छा। मिस जॉन, प्लीज कम हियर। साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा गौर करूंगा, बस अब आप चिंता मत कीजिए। एक बढ़िया लड़की लेनी हो ठेका? मेरे पास काम ज्यादा है, मैंने बैरे से बोल दिया, वो चाहे यहीं दे जाए। बोला ना जी, इस तरह टेबल के नीचे छुपा कर कौन सी फाइल पढ़ रहे हैं? कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल मामला है शायद। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो, बेचारे की ताजी ताजी शादी हुई है और ऊपर से बिरह दशा चल रही है। पढ़ो पढ़ो, घर में एक बात पढ़ने ही से तो मन की साथ पूरी नहीं हो सकती ना। लेकिन बखुरदार जरा होशियार रहना, इस फाइल के साथ ये चिट्ठी भी कहीं बड़े साहब के हाथ ना लग जाए। लेकिन भाई इस कदर छुपा के क्यों पढ़ते हैं आप? अरे अगर मेरी शादी हो गई तो मैं तो सबके सामने पढ़ा करूंगा। अच्छा तो क्या आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, लेकिन होने वाली है, बस नौकरी मिलने की शर्त थी। लड़की कैसी है? बेहद खूबसूरत। अच्छा और उसका रंग कैसा है? मैदे में किसी ने सिंदूर मिला दिया हो जैसे। और नाक नक्श एकदम तीखे। बा, 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 बा। और केस काले बादल और आंखें हिरनी जैसी। होंठ होंठ
गुलाब की पंखड़ियाँ। वाह 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 वाह। लेकिन भाई एक दोष है। वो क्या? लड़की का बाप एकदम मिलिट्री फादर है। किसकी चिट्ठी? आपकी। क्या बात है जी? मैं जरा सबसे मिलना चाहता हूँ। आप जरूरी काम कर रहे हैं, मुलाकात नहीं होती। लेकिन मुझे भी एक बहुत जरूरी काम है। चपरासी, बाहर ये क्या शोर हो रहा है? प्लीज मैनेजर साहब, छोटी सी गलती के लिए मुझे बर्खास्त मत कीजिए। नौकरी न रही तो मुझे प्रदेश में भूखों मरना पड़ेगा। गांव में मेरी बूढ़ी माँ मेरी आस लगाए बैठे। मैनेजर साहब मुझ पर रहम कीजिए। चपरासी, मैनेजर साहब उसे यहाँ से जाने दीजिए। मैनेजर साहब रहम कीजिए। मैनेजर साहब ऑफिस में खड़ा होकर मैनेजर साहब मुझ पर रहम कीजिए। कौन यहाँ से फोन कर रहा है? घबराइए नहीं, जरा धीरज रखिए। घबराइए नहीं रतन बाबू, शांति कीजिए। हमने सब बातें मिस्टर पटेल से सुन ली। साहब का गुस्सा जरा ठंडा हो जाए, हम सब मिलकर आपके लिए कोशिश करेंगे। समझ गया था।
अच्छा ठहरो, मैं इसे घुमा लेता हूँ, वरना तुम्हें भी अजीब अजीब लगेगा और मुझे भी नींद नहीं आएगी। एजी, उठो ना, आज बज के ऑफिस नहीं जाना। हाँ, बड़ी देर हो गई ना। तुम हाथ में धोलो, मैंने चाय के लिए कह दिया। लिया ऑफिस से लौटते वक्त मेरे लिए एक साड़ी ले। साड़ी? हाँ, घर से बस इन्हीं कपड़ों में निकल पड़ी थी ना, बड़ी दिक्कत हो रही। ओह अच्छा, जरूर लाऊंगा। सीमा, कितनी आस कितनी उम्मीद लेकर तुम मुझ जैसे बदकिस्मत के बल्ले आ पड़ी हो, मुझे तुम्हारे लिए बड़ी चिंता है। क्या कह रहे हो तुम? मेरे साथ तो पेड़ की छांव भी स्वर्ग से। और हाँ, साड़ी के साथ ब्लाउज के लिए भी एक आस पीस लिया ना। अच्छा, जैसे भी हो नौकरी हासिल करनी ही होगी। बाबू यही रहते हैं जी? हाँ,
गए हैं, अभी लौटे नहीं। दफ्तर गए हैं? किस दफ्तर? टिक्कू भाई क्या मुझे ठीक है यार। लेकिन उन्हें तो कल ही वहां से जवाब मिल गया। जवाब मिल गया? जी जी हाँ, उन्होंने जितने दिन वहां काम किया है उतने दिनों की तनख्वाह लेकर आया, ये उन्हें दे दीजिए। और कहिएगा कि वो किसी बात की चिंता न करें, हम सब मिलकर उनको उसी जगह पर बहाल कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नमस्ते। ऑफिस में काम का जरा जोर आ पड़ा है। सीमा, मैं आज तुम्हारी साड़ी भी न ला सका। कोई बात नहीं, चाय पियोगे? नहीं जी, नहीं चाहता। तुम्हें कोई मिलने आया था? कौन आया? नाम नहीं पूछा। कुछ कह गया? नहीं। सीमा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। अच्छा रहने दो, बाद में बता दूंगा। अभी बताओ ना। बात यह है, मैं कहना चाहता था कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर चली जाओ। क्या? नहीं माने, मैं जरा सब कुछ ठीक तरह से जमा लूं, उसके बाद तुम्हें। तो जानते हो कि अब घर लौटने का मेरे लिए कोई रास्ता नहीं रहा। अगर तुम अपने नहीं, नहीं सीमा, मेरी बात को उल्टा मत समझो। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम्हें अब बहुत तकलीफ होगी। बताओ तुम, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना होगा। जाओ, हाथ में धोजा, खाना नहीं खाना था। एक मकान ढूंढ लूंगा, फिर तुझे और माँ को वहां ले जाऊंगा। अरे नौकरी के लिए तो बिल्कुल दीवाना ही हो। कितनी दरखास्तें भेजी हैं तो मुझे क्या एक भी नौकरी नहीं मिलेगी? घर आओ, घर आओ।
जानती हैं सीमा देवी, कितनी आस कितनी उम्मीद लेकर मैं घर से निकला था। तो तुम बेकार नहीं हो, अच्छे खासे 250 रुपए। क्या शोर हो रहा है भैया? कोशिश करके थक चुका हूँ, मरने की सेवा मेरे लिए और कोई चारा नहीं। मेरे पास कुछ, लेकिन तुमने अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल नहीं किया, जो सिर्फ तुम्हारी ही आस लेके बैठी। सीमा, मैं तुमसे झूठ बोला, मैं तुमसे झूठ बोला सीमा, मेरी नौकरी छोड़ गई। मैं जानती हूँ, अभी तुमने ये क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी नौकरी से प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा भार उठाने लगी हूँ। मुझे भार क्यों समझते हो? क्या मैं तुम्हारी किसी तरह भी मदद नहीं कर सकती हूँ? घबरा कर जानते थे ना, तो पूरी हार मान लेगा, हार कायर माना करते हैं, फिर से कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद रतन को शायद नौकरी मिल ही गई हो, शायद ना भी मिली हो, लेकिन आप लोगों से एक प्रार्थना है, अगर रतन या उस जैसा और कोई कहीं आपको मिल जाए, उसे नौकरी दिलाने की कोशिश जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शेमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।